5 मिनट में होर लेने, सिर्फ 5 मिनट। सत्संग जी, सैकटरी साहब वीर भाई भुपिंदर सिंह जी बहुत ही प्यार नाल स्टेज नूं संभालदे आए ने, विद्वान ने, और इन्हां कोल बनाया बनाया प्रोग्राम पहुँचदा। जिवें पिछों प्रबंधकां वल्लों हुक्म हुंदा तो उन्होंने मैनूं 40 मिनट दित्ते सन, उह समाप्त हो गए। एक तो 40 मिनट दिते ने, मैं गुस्सा नहीं है। सोनू वीर जी तुसी मैं सिर्फ 40 मिनट दिते ने, साढ़े प्रबंधक वो ने। एक भाई भुपिंदर सिंह जी ने शुरू च गल आखी सी कि साड़ी किते काफले नूं नजर ना लग जाए, ये दुखी ने, सिंह साहब भी अंदरों दुखी ने, बहुत दुखी ने, क्योंकि नजर लग चुकी है। कल जो असी सच बोलिया सिंह साहब ने और मेरे गीत ने, वो नज़र लग गई। मैं धक्के नाल ही सारे तुहानू गीत सुनाए ने, दो तीन नहीं तो उपरों हुक्म सी कितों, पता नहीं कितों कि अमरिंदर सिंह कहो अज सिर्फ बाणी का कीर्तन करे, असी गीत नहीं सुनने। कल जो सच बोलिया गया बाणी, बाणी दा जो फैसला ओ बाणी कहिंदी है, नहीं प्लीज मेरी बेनती, बाणी कहिंदी जे को बोले सच कूड़ा जल जावे। जेडे कूड़ ने उन्हां नूं लगी है साडी गल सच, उन्हां दा कसूर कोई नहीं। मैं किसी तरह का माहौल खराब नहीं करना चाहता, मेरे से इल्जाम ना आवे, मैं बेनती करा, मेरी बेनती है ना, सिंह साहब से कोई इल्जाम आवे ना मेरे से। असी प्यार नाल जज्बातां नाल मैं गीत च भी बेनती की थी, ना ये रिश्ता खून का ना जात का, ये आत्मा का प्यार का जज्बात का, असी उस जज्बातों नूं लैके चले हुए हैं। सानू किसी संस्था का मतलब नहीं तो ना असी किसी नूं घटाउणा चाहुंदे, पर की तुसी सच नूं सच नहीं कहण दिओगे? ये कोई गल थोड़ा हो, जे अज तुहाडे कोल कब्जा है, जे अज तुहाडे कोल कब्जा है तां याद रखियो इही संगत जो तुहानूं बिठाउण वाली, इन्हां ने तुहानूं ला के पासे मारना। तो गुरु कृपा करे, मैनू हर वारी इंज लगता सी कि मैं शायद ये मेरा आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी प्रोग्राम हूँ, मैं सच कह रहा ये मेरा आखिरी प्रोग्राम सी, क्योंकि मजबूरी हो जाती, मेरा अज मूड बिल्कुल। हाँ जी नहीं, मैं बेनती मैं कर लैन दो, तुहाडे ते कोई लही इल्जाम नहीं, जो तो इस जगह का यह दुखांत नहीं है। हुण हर जगह ते सानू मजबूर किया गया, उहदा कारण मैं दसां तुहानू की, असीं गुरु दे सिख अखवाउंदे हाँ, पर पूरी कौम नूं मैं बेनती करांगा जे वाकई तुसीं गुरु दे सिख हो ते अमृतधारी होवो, जिन्नी देर तुसीं अमृतधारी नहीं होवोगे तुसीं अमलियां दे गुलाम रहोगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतह। वाहिगुरु। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जिस दस से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है। मक्तल कहिंदे कतल होण दी जगह, कतल ते बहुत दुनिया कीती जांदी है, अज भी कीती जा रही है, पर जिहड़ी शान दे नाल कोई उस जगह ते गया है ना, जिहड़े चेहरे दे हाव भाव लैके, जिहड़े अकीदे नूं लैके, वो सलामत रहिंदा।